गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं, कुछ फॉर्मूले, कुछ डेफिनेशंस वगैरह हैं उसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि मेजर ऑफ एंगल, एंगल को हम कैसे मेजरमेंट करते हैं, मेजर ऑफ एंगल में पढ़ेंगे हम। द मेजर ऑफ एन एंगल इज़ द अमाउंट ऑफ रोटेशन परफॉर्म्ड फ्रॉम द इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड। ये देखिए, ये इनिशियल साइड है, इसको इनिशियल साइड बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनल साइड। मतलब मेजर जो है वो क्या होता है, अमाउंट ऑफ रोटेशन, कितना रोटेशन हुआ इनिशियल पॉइंट, इनिशियल लाइन से टर्मिनल लाइन में कितना रोटेशन हुआ, उसे हम क्या कहते हैं, मेजर ऑफ एंगल, एंगल का मेजरमेंट। तो जैसे अगर हम इनिशियल लाइन ये है और इसको हम एंटी क्लॉक वाइज अगर रोटेट कर रहे हैं तो ये एंगल जो बनेगा पॉजिटिव एंगल बनेगा। जैसे इसको देखते हैं, ये इनिशियल लाइन है, ये टर्मिनल लाइन है, लेकिन इसका मेजरमेंट जो होता है वो क्लॉक वाइज डायरेक्शन में हो रहा है, नीचे की तरफ हो रहा है, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये एंगल कैसा होगा, निगेटिव एंगल होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। देर आर थ्री सिस्टम्स ऑफ यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल। तीन सिस्टम होते हैं मेजरमेंट के। पहला होता है, तो ये फर्स्ट है, सेक्सेज एस्टिमल और ब्रिटिश सिस्टम बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, इन द सिस्टम ऑफ द मेजरमेंट अ राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 9 इक्वल पार्ट्स कॉल्ड डिग्री। जो राइट एंगल होता है उसको 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। ईच डिग्री इज़ द डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स कॉल्ड मिनट्स, और एक डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, उसे मिनट्स कहते हैं। एंड ईच मिनट्स इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स कॉल्ड सेकेंड, और उसके बाद जो है 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं एक मिनट को, उसे क्या बोलते हैं, सेकेंड बोलते हैं। जैसे वन राइट एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है, वन मिनट जो होता है, वन मिनट, वन डिग्री में कितने 60 मिनट होते हैं, और वन मिनट में कितने होते हैं 60 सेकेंड होते हैं। सेकेंड है सेंटेस्टिजिमल और फ्रेंच सिस्टम जिसे बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इन द सिस्टम ऑफ द मेजरमेंट राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। इसमें राइट एंगल जो है 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेड्स बोलते हैं। ईच ग्रेड्स इज देन डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स कॉल्ड मिनट्स, और उसके बाद जो ग्रेड होती है उसको 100 इक्वल पार्ट में दोबारा फिर डिवाइड करते हैं, उसको मिनट बोलते हैं। एंड ईच मिनट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स कॉल्ड सेकेंड, उसके बाद दोबारा से हम मिनट को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, सेकेंड। जैसे यहाँ पे लिखा है कि वन राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड्स होता है, और वन ग्रेड में जो होते हैं 100 मिनट्स होते हैं, और वन मिनट्स में 100 सेकेंड होते हैं। ये ब्रिटिश में, ये फ्रेंच सिस्टम में ऐसा बताया गया था। दिस सिस्टम इज मेजरमेंट ऑफ एंगल इज नॉट कॉमनली यूज्ड, सो हेयर वी विल नॉट स्टडी इन दिस सिस्टम फॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल। लेकिन इसकी जो है, इस सिस्टम ऑफ मेजरमेंट जो एंगल का है उसको हम कॉमनली यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ आपकी ये इंट्रोडक्शन के लिए आपको पता होना चाहिए कि ऐसा भी होता है, इसलिए इसकी स्टडी हम आगे को नहीं पढ़ेंगे। हम आगे वही चीज़ पढ़ेंगे जो आगे यूज हो रहा है अभी, वो क्या है, देखिए हम यहाँ पे पढ़ेंगे रेडियन और सर्कुलर मेजर। रेडियन और सर्कुलर मेजर में क्या होता है, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क विच लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड रेडियन, एंड इट इज डिनोटेड बाय वन, के ऊपर हमने सी लगा दिया तो वन रेडियन हो गया। इसमें क्या हो गया कि एक सर्कल है, उसके बाद ये एक पार्ट है, ये आर्क है, और ये एंगल सेंटर पे एक एंगल सबटेंड कर रहा है, जितना एंगल सबटेंड करेगा उसको मेजरमेंट करते हैं रेडियन में। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, एक एंगल बनाया जा रहा है सेंटर पे ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क, एक आर्क के द्वारा एक एंगल बनाया जा रहा है सेंटर पे, हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, जो उसकी लेंथ है वो रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल होती है, उसे हम क्या कहते हैं, रेडियन। मतलब उसको हम रेडियन में मेजरमेंट करते हैं, जो एंगल ही बन रहा है उसको रेडियन में मेजरमेंट करते हैं। अगर उसने यहाँ वन आर्क का मेजरमेंट, आर्क है ये, तो यहाँ पे वन डिग्री रेडियन मेजरमेंट होगा। अगर टू है यहाँ पे
आर किसकी, तो यहाँ पे जो मेजरमेंट जो होगा वो 2 डिग्री 2 रेडियन में मेजरमेंट होगा। इसकी रेडियस तो है ये 1 1 ही है। तो मेजर ऑफ पाई, पाई का मेजरमेंट कैसे करते हैं, रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर ऑफ सर्कल इज ऑलवेज कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर पाई। रेशियो जो होता है सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर का सर्कल के, वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और उसको क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं। देखिए ये आधा पढ़ा भी होगा कि 2πr तो पढ़ा ही होगा आपने, लेकिन आया कहाँ से, यहाँ से आया सर्कमफ्रेंस को, अगर हम सर्कल के सर्कमफ्रेंस को हम उसके रेडियस के डबल से या डायमीटर से डिवाइड कर देते हैं तो पाई आ जाता है, पाई कांस्टेंट है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके सी की वैल्यू क्या आ गई, 2πr। सी क्या होगा, सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr। ये यहाँ से आया है, याद रखिएगा आप कि पाई कहाँ से आया है, सर्कमफ्रेंस को डायमीटर से डिवाइड करके आया है। पाई इज एन इरेशनल नंबर, द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई कैन नॉट बी फाउंड इन द डेसिमल। आपको पता ही है पाई जो है इरेशनल नंबर है, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं। फेस रफली पाई को हम 22.7 लिखते हैं या 3.1415 .. इस टाइप की वैल्यू लिख सकते हैं। अगले देखते हैं रेडियन एट अ कांस्टेंट एंगल, जिसमें क्या होता है, रेडियन कांस्टेंट एंगल में ये प्रूफ है, इसमें जो है 1 रेडियन को एक कांस्टेंट एंगल प्रूफ करना है हमें। इसका प्रूफ है कि 1 रेडियन जो है कांस्टेंट एंगल के इक्वल होता है। उसमें क्या किया, देखिए लेट ए बी सी या सर्कल, ए बी सी एक सर्कल है, ए बी सी सर्कल हु सेंटर इज ओ एंड रेडियस जो उसकी आर है। लेट द लेंथ ऑफ ए बी, ये बी है ऑफ अ सर्कल इक्वल टू आर, ये भी जो आर्क है भी स्मॉल आर है। देन यहाँ से एंगल ए ओ बी की वैल्यू क्या आ गई, 1 रेडियन आ गई। अकॉर्डिंग प्रोड्यूस ए ओ एंड लेट इट कट द सर्कल एट सी, इसको हमने आगे को बढ़ा दिया, ओ ए को आगे बढ़ा दिया, और ये लाइन जो है सी को सर्कल सर्कमफ्रेंस को सी पे कट कर रहा है। देन ए सी इज़ द डायमीटर ऑफ सर्कल, और ए सी क्या हो गया, डायमीटर हो गया सर्कल का। तो एंगल टू ए, एंगल ए ओ सी, इस पूरे एंगल की वैल्यू क्या हो गया, 2 राइट एंगल हो गया, इसको 182 राइट एंगल मतलब 180 डिग्री भी बोल सकते हैं। बाई ज्योमेट्री वी नो दैट द एंगल ऑफ सबस्टेंट एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ आर्क वी सबस्टेंडेड दैम। तो हमें पता है कि क्या होता है, वी नो दैट एंगल सबस्टेंडेड एट द सेंटर, जो सेंटर पे जो एंगल सबस्टेंड होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ ऑफ आर्क, आर्क के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि एंगल जो ए ओ बी की वैल्यू होगी अपॉन एंगल ए ओ सी की वैल्यू होगी, वो क्या आ गया, किसके इक्वल होगा, आर्क ए बी अपॉन आर्क ए बी सी, मतलब ए ओ बी ये वाला एंगल है और इस ए ओ बी को कौन सब्सटेंड कर रहा है, ये वाला आर्क कर रहा है, और ए पूरे को ए ओ सी को कौन सब्सटेंड कर रहा है, ए बी सी वाला आर्क कर रहा है। तो हमने ए ओ बी के सामने एंगल ए आर्क ए बी लिख दिया, ए ओ सी के सामने आर्क ए बी सी लिख दिया। अब ए ओ बी का जो मेजरमेंट है यहाँ पे वो कितना है, 1 रेडियन है, 1 रेडियन रख दिया, और ए ओ सी की वैल्यू कितनी है, पूरी 180 डिग्री है, इसके प्लेस से 180 रख दिया। आर्क ए बी, ए बी आर्क यहाँ पे कितना है, आर सपोज कर रखा था हमने, यहाँ आर रख दिया, और ए बी सी ये पूरा का पूरा कितना है, सेमी सर्कल है, तो पूरे सर्कल का हाफ होगा, पूरे सर्कल क्या होता है, 2πr, उसका हाफ कर दिया 2 से डिवाइड करके, r से r करके 2 से 2 कट गया, 180 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 रेडियन की वैल्यू कितनी होगी, 180 अपॉन पाई बचा, और ये क्या होता है, कांस्टेंट। तो 1 रेडियन की वैल्यू कितनी होती है, 180 अपॉन पाई हो गया। अब इसके बाद देखा है प्रूफ दैट थीटा इज इक्वल टू एल आर अपॉन आर, ये बहुत ज़्यादा फॉर्मूला यूज होगा, ये थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर के, थीटा क्या है एंगल है, एल क्या है आर्क लेंथ है, आर क्या है रेडियस है। बाय डेफिनेशन ऑफ रेडियन एंगल सबस्टेंडेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ एल एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 1 रेडियन। हमें पता है डेफिनेशन के अनुसार क्या होता है कि जो एंगल है सबस्टेंड कर रहा है एक आर्क, एक आर्क जो है
एक सेंटर पे जो एंगल बना रही है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 रेडियन होती है। वही लिखा है यहाँ पे हमने कि बाय डेफिनेशन ऑफ रेडियन एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ऑफ अ लेंथ आर एट द सेंटर इज इक्वल टू 1 रेडियन। देयरफॉर एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ऑफ लेंथ 1 एट द सेंटर ऑफ सर्कल सर्कल देयरफॉर एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ऑफ अ लेंथ आर एल एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एल अपॉन आर। अब यहाँ पे देखिए एंगल सबटेंड बाई आर्क लेंथ 1, अब हमें 1 पे रख दिया कि 1 लेंथ के द्वारा कितना रेडियन होगा, 1 अपॉन आर, आर हो रहा है 1 रेडियन में, लेंथ आर है तो 1 होगा, लेंथ 1 है तो 1 अपॉन आर हो जाएगा, फिर लेंथ क्या ले लिया, एल ले लिया तो एल अपॉन आर हो जाएगा। तो यहाँ से जो ये एंगल मेजरमेंट को थीटा पे लिख दिया, एल अपॉन ही आ गया, तो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर आ गया, ये फॉर्मूला हो गया एंगल का, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। अब यहाँ पे एक नया टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, रिलेशन है ये, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, डिग्री और रेडियन में एक रिलेशन होता है, क्या होता है, वी नो दैट अ सर्कल सबटेंड एन आर 360 डिग्री एट द सेंटर, हमें पता है कि सर्कल जो है 360 डिग्री एंगल बनाती है सेंटर पे, एंड इट इज मेज एंड इट्स रेडियन इज 2π, और उसकी वैल्यू को हम क्या लिखते हैं, 2π लिखते हैं, क्योंकि 360 को हम क्या लिख सकते हैं, 2π, तो इसलिए हम कह सकते हैं सिंस 2π रेडियन इज इक्वल टू 360, तो 2π रेडियन और 360 के इक्वल है, तो पाई रेडियन किसके इक्वल हो जाएगा, 360 अपॉन ये 2 के इक्वल हो जाएगा, 360 अपॉन 2 हो जाएगा 180 आ जाएगा, तो 1 रेडियन किसके इक्वल हो जाएगा, पाई इसके अपॉन में पहुंच जाएगा, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई, इसकी वैल्यू 57 डिग्री 16 मिनट होती है अप्रॉक्स में। दोबारा से तो याद रखना है कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई होता है, दोबारा से 180 इज इक्वल टू पाई रेडियन हो जाएगा, उसको उल्टा कर देंगे तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना, पाई अपॉन 180 रेडियन हो जाएगा, इसकी वैल्यू इतनी होती है। तो रेडियन, तो मैंने फॉर्मूला याद करना है कि रेडियन मेजर को मैंने डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन मेजर इज इक्वल टू होता है पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजर, और डिग्री मेजर की वैल्यू फाइंड करनी है तो 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन मेजर, ये फॉर्मूला है, ये याद रखना है आप लोग को। या ऐसा भी बोल सकते हैं डिग्री अपॉन 180 इज इक्वल टू रेडियन अपॉन पाई, ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं, डी फॉर डिग्री हो गया अपॉन 180, सी फॉर क्या हो गया रेडियन अपॉन पाई, कुछ डिग्री मेजरमेंट दे रखा है उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, रेडियन मतलब पाई में कन्वर्ट करना है, या 30 डिग्री को हमेशा रेडियन में क्या लिखते हैं, पाई अपॉन 6 लिखते हैं, 45 को पाई अपॉन 4 लिखते हैं, 60 को पाई अपॉन 3 लिखते हैं, 90 को पाई अपॉन 2 लिखते हैं, 180 को पाई लिखते हैं, 270 को 3π/2 लिखते हैं, और 360 को 2π लिखते हैं। ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।